हेलो एवरीवन, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेज। आज मैं बताऊंगा कि 100 ग्राम का दाम कैसे निकालें। यदि एक किलो आलू का दाम आपका है 20 रुपया, तो 100 ग्राम का निकालना है तो 100 ग्राम के लिए आप एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। बड़े ही आसानी से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया? 2 रुपया। तो 2 रुपया क्या होगा? 100 ग्राम आलू का दाम। जैसे मान लेते हैं कि एक किलो चीनी का दाम है 40 रुपया। 100 ग्राम चीनी का दाम निकालना है तो आंख बंद करके एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 4 रुपया गया, तो 100 ग्राम चीनी का दाम कितना हो गया? 4 रुपया। मान लेते हैं कि 540 रुपया किलो सुपारी है। सुपारी कैसे है? 540 रुपया किलो सुपारी है। 100 ग्राम सुपारी का दाम निकालना है तो डायरेक्टली 540 के एक अंक पे दशमलव, 54 रुपया कितना हो गया? आपके 100 ग्राम सुपारी दाम कितना हो गया? 54 रुपया। हम लोगों ने सीखा कि 100 ग्राम का दाम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 18 रुपए किलो आलू है, 100 ग्राम का निकालना है तो एक अंक पे दशमलव, 1 रुपया 80 पैसा। 15 रुपए किलो आलू है तो 100 ग्राम का निकालना है तो एक अंक पे दशमलव, 1 रुपया 50 पैसा। मान लेते हैं 10 रुपया किलो कोई सामान है, 100 ग्राम का निकालना है तो एक अंक पे दशमलव। इस तरीके से आप लोग 100 ग्राम का दाम निकाल सकते हैं। 100 ग्राम का दाम इस तरीके से आप लोग निकालेंगे। मान लीजिए कोई पूछता है कि 100 ग्राम का आप लोग निकाल लिया है, 1 ग्राम का निकालिए, तो 1 ग्राम निकालने के लिए कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपया किलो आलू है, कैसे आलू है? 20 रुपया किलो, तो 1 ग्राम का निकालना है तो 1 ग्राम का निकालने के लिए 2 अंक पे दशमलव, 1 ग्राम निकालने के लिए 2 अंक पे दशमलव, तो 20 पैसा। 20 पैसा कितने का दाम हो गया? 1 ग्राम का। मान लेते हैं कि चीनी 40 रुपए किलो है, 1 ग्राम चीनी का दाम 2 अंक पे दशमलव, 40 पैसा। कोई सामान 32 रुपए किलो है, 1 ग्राम का दाम 2 अंक पे दशमलव। तो इस तरीके से आप लोग 1 ग्राम का और 100 ग्राम का दाम निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। इस तरीके से जब से कोई 50 ग्राम का पूछता है कोई दिक्कत नहीं है, 100 ग्राम का निकालने के बाद उसमें 2 से भाग कर देंगे। जैसा कि मान लेते हैं कि कोई सामान 40 रुपए किलो है, कोई सामान कैसे है 40 रुपए किलो, तो 100 ग्राम का कितना होता है? 1 अंक पे दशमलव, 4 रुपया आ गया। अब 50 ग्राम का निकालना है, इसमें 2 से भाग, 2 दूनी 4, 2 रुपया आ गया। इस तरीके से आप 50 ग्राम निकाल सकते हैं। 50 ग्राम का तो छोड़िए, आप 1 ग्राम का निकालना सीख गए हैं, आधा ग्राम का कैसे निकलेगा? जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए किलो कोई चीज है, 20 रुपए किलो है, तो 1 ग्राम का दाम 2 अंक पे दशमलव, आधा ग्राम का दाम इसमें 2 से भाग, 10 पैसा। इस तरीके से आप 1 ग्राम का, आधा ग्राम का, 100 ग्राम का, 250 ग्राम किसी भी का दाम निकाल सकते हैं।